आज हम लोग ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे। ऑसिलेशन ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये हम लोग दो क्लास में खत्म करेंगे। ऑसिलेशन आज हम लोग मैक्सिमम थ्योरी करेंगे और कल हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। एक दो थ्योरी बचेगा जो हम लोग कल कर लेंगे, कल तक कंप्लीट होगा। तो ऑसिलेशन में ऑलरेडी हम लोग को मिला है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, क्या क्या मोशन हम लोग पढ़ा है क्लास 11 में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, और क्या मोशन होते हैं, वन डायमेंशनल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब इन्हें स्ट्रेट लाइन। और क्या मोशन है हम लोग के पास, पीरियोडिक मोशन, इसका मीनिंग क्या है पीरियडिक मोशन का, पीरियडिक मोशन का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने यहां से चल के यहां पर गया फिर से मैं रिटर्न आया, तो ये पीरियडिक मोशन होगा या ऑसिलेटरी मोशन होगा। मैंने यहां से चल के यहां पर गया उसके बाद मैंने फिर से मैंने रिटर्न आया, ठीक है, तो ये कैसा मोशन है, पीरियडिक मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है या सर्कुलर मोशन है, ऑसिलेटरी, पीरियडिक नहीं होगा। पीरियडिक का मतलब क्या होता है, पीरियडिक मोशन मतलब मोशन दैट पीरियडिक मतलब एक टाइम के बाद फिर से क्या होगा, रिपीट होगा, तो मोशन दैट रिपीट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इसको हम लोग क्या मोशन बोलेंगे, पीरियडिक मोशन, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, सो दैट इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन, पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मतलब द मोशन विल रिपीट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे हम लोग का घड़ी में जो नीडल होते हैं दैट विल रिपीट, राइट, सो इसका मोशन कैसा होगा, पीरियडिक मोशन। So, periodic मतलब something that repeat after fixed interval of time. एक ही काम अगर तुम लोग daily करोगे तो that is a periodic motion. मतलब एक interval of time के बाद it again repeat, right? तो इस तरीके का motion को हम क्या बोलेंगे, periodic motion. Next आएगा oscillatory motion. तो इन दोनों में क्या difference है, oscillatory motion and periodic motion? What is the meaning of oscillatory motion? To and fro motion. To and fro motion. मतलब suppose एक pendulum ऐसे extreme position में जाते, उसके बाद अगर हम लोग यहां से release कर देंगे तो क्या करेगा pendulum? It will move like this, right? पहले यहां पर जाएगा फिर से return आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, this is a to and fro motion. टू एंड फ्रो मोशन। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, दैट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन, इस मीन पोजीशन के अबाउट, इसको अगर हम लोग मीन पोजीशन लेंगे तो ये पेंडुलम कैसे ऑसिलेट करेगा, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, एक बार यहां से यहां पर जाएगा उसके बाद फिर से रिटर्न आएगा, इट विल क्रॉस द मीन पोजीशन, राइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज ए ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी में क्या होना चाहिए, एक मीन पोजीशन होना चाहिए जिसके अबाउट द ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म पीरियडिक मोशन, वी कैन से पीरियडिक मतलब द मोशन विल रिपीट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक मोशन है या नहीं है, कैन वी से ऑल द ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियडिक इन नेचर, Yes or no? Yes. All the oscillatory motion क्या करेगा, फिर से अपना motion को repeat करेगा, right? अगर object यहाँ से mean position से start किया, ये suppose mean position है, ठीक है? तो यहाँ से एक बार वो इस जगह पर जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर से return आएगा, यहाँ पर आया, फिर से वो क्या करेगा, ऐसे जाएगा। तो ये क्या है, both oscillatory as well as periodic. क्यों होगा oscillatory? Because यहाँ पर एक mean position है. This is the mean position, so it will be oscillatory.
और पीरियोडिक क्यों है, बिकॉज इट विल रिपीट द मोशन, ये अपना मोशन को फिर से रिपीट करेगा। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक सेंटेंस देखो नीचे में, इसके नीचे में लिखना विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, ऑल द ऑसिलेटरी मोशन, ऑल द ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर प्रोवाइडेड द एनर्जी इज कंजर्व्ड, provided the energy is conserved, provided the energy is conserved। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूं कि oscillatory motion हमेशा क्या होगा, periodic होगा, लेकिन ये तब तक possible है जब तक energy का conservation satisfy होगा। energy conservation मतलब क्या, ये एक बार देख लो, ये class 9 में मिला था। अगर इस position से, main position से हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां पर उठाते हैं तो किसी पार्टिकुलर हाइट में हम लोग लेके गया, तो इस पॉइंट पर कौन सा एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर से जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन इसका मोशन बढ़ेगा, मतलब इसका कौन सा एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, ये सस्टेन होना चाहिए, हमेशा द एनर्जी मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो पीरियोडिक होने के लिए क्या एसेंशियल कंडीशन होना पड़ेगा, दैट एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड, पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी ट्रांसफॉर्म इनटू द काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो ट्रांसफॉर्म इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, ये होना चाहिए। देन ओनली वी कैन से ऑल द ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर। नेक्स्ट स्लाइड में लिखो, इसको क्लोज कर दो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट लाइन में लिखना, बट ऑल द पीरियोडिक मोशन मे और मे नॉट बी ऑसिलेटरी। इसका एक एग्जांपल दो, सब पीरियोडिक मोशन क्या होगा, इट कैन बी ऑसिलेटरी, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो ऑसिलेटरी होना चाहिए, इट कैन बी ऑसिलेटरी और इट मे नॉट बी ऑसिलेटरी। तो क्या एग्जांपल होगा, अर्थ का रिवोल्यूशन, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, इसका मेन पोजीशन है क्या, इट इज इट ए टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो तो नहीं है, जो घड़ी का हम लोग का जो निडल होते हैं वो क्या टू एंड फ्रो मोशन करते हैं क्या, नहीं करते, लेकिन मोशन इज पीरियोडिक, ये अपना मोशन को रिपीट करेगा, बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी। समझ में, इसका एग्जांपल लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी। पीरियोडिक तो होगा बिकॉज इसका मोशन रिपीट हो रहा है, लेकिन ऑसिलेटरी इज नॉट, बिकॉज ऑसिलेटरी होने के लिए क्या चाहिए, देयर मस्ट बी सम मेन पोजीशन अबाउट विच द बॉडी विल परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मीनिंग क्या है, तो यहां पर देखो हार्मोनिक मतलब क्या होगा, हार्मोनिक का मतलब क्या है, हार्मोनिक का मतलब क्या है पीरियोडिक। जो हम लोग म्यूजिक में बोलते हैं हार्मोनी, मतलब ये क्या होगा, ये नोट्स होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, तो यहां पर हार्मोनिक का मतलब क्या है, पीरियोडिक, समथिंग विच विल रिपीट। मोशन इज मूवमेंट। और सिंपल का मतलब क्या है, सिंपल मतलब इट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन।
तो सिंपल मोशन कौन सा मिला अब तक? लीनियर मोशन। तो यहां पर सिंपल का मतलब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? ऐसा मोशन जो पीरियोडिक होगा, उसके बाद क्या होना चाहिए? एक सीधा लाइन में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। देन ओनली वी कैन सी इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहां पर देखो, से मैंने यहां पर एक मीन पोजीशन कंसीडर किया। दिस इज द मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन है। एंड दिस इज वन एक्सट्रीम एंड दिस इज अनदर एक्सट्रीम एंड। यहां पर बॉडी कैसे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा? एक बार यहां जाएगा, उसके बाद क्या होगा? रिटर्न आएगा, फिर उसके बाद ऐसे द बॉडी विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम लोग क्या मोशन बोलेंगे? टू एंड फ्रो मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो इसका मैंने लिया से दिस डिस्टेंस इज एक्स, ठीक है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस लिया? एक्स लिया। अब अगर मैंने इसको बोला कि ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन का मतलब क्या है? मीन पोजीशन मतलब मिडिल, ठीक है, मिडिल पॉइंट। तो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना लिया? एक्स लिया। तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा? एक्स। बोथ द डिस्टेंस शुड बी इक्वल, ये लगे या नहीं लगे लेकिन होना चाहिए, ठीक है। मीन पोजीशन मतलब इट इज द सेंटर पॉइंट, तो यहां से यहां तक जितना दूरी होगा यहां से यहां तक भी डिस्टेंस विल बी इक्वल। इसको हम लोग बोलते दिस डिस्टेंस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ये आगे जाके मिलेगा। अब यहां पर देखो, जैसे ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया मूव करना, ठीक है, विथ सम वेलोसिटी भी, सपोज उसके पास कितना वेलोसिटी है? भी है। अब जैसे ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर पहुंचा, अब क्या होगा वेलोसिटी? व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट? फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? इस पोजिशन पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? तो वो फिर से बैक करेगा। बैक करेगा मतलब जहां पर वो बैक करेगा वहां पर उसको रुकना पड़ेगा। देन ओनली द पर्सन विल रिटर्न बैक। तो यहां पर क्या होगा? इसका वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, ठीक है। इस पोजीशन पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर से ये वाला एक्सट्रीम एंड, यहां पर भी वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। अब यहां पर देखो, जैसे ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर जा रहा है, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी जो है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड का डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी इज हाउ मच? जीरो। इसका वेलोसिटी विल डिक्रीज, डिक्रीज होगा, समझ में? अब इसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बोलो, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन from the mean position to the extreme end? What is the direction of the acceleration? Acceleration का direction क्या होगा? एक object है जिसका velocity क्या हो रहा है? Decrease हो रहा है। तो इसके ऊपर acceleration कौन सा direction में apply होगा? Opposite, ठीक? इसका direction of acceleration क्या होगा? Opposite होना चाहिए। Then only the velocity will decrease. तो यहां से यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? समझ में आ रहे? अब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था? फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम एंड, वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में था? इस डायरेक्शन में था। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा। क्यों होगा ऑपोजिट? बिकॉज फाइनल वेलोसिटी विल बिकम सेम। अब जैसे ऑब्जेक्ट रिटर्न आया, अब इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बोलो। व्हेन द ऑब्जेक्ट विल रिटर्न बैक, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? कौन सा साइड में? एक्स एक्सिस। यहां पर, यहां पर होने से तो ऑब्जेक्ट यही पे ही जाता, वो रिटर्न क्यों आया? हाँ सर, इस साइड पे होगा, इसलिए। कौन सा साइड में होगा? इस साइड में होगा या इस साइड में होगा? वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स में। क्यों होगा ये समझ में आया?
बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नाउ ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज कमिंग बैक. तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में होना चाहिए एक्सेलरेशन. जैसे ही उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, अब उसको रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब इसका वेलोसिटी अब क्या होगा, बढ़ेगा. तो बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन विल बी इन द सेम डायरेक्शन, और वेलोसिटी का डायरेक्शन बोलो सेम होगा, इन दिस डायरेक्शन ओनली. ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसे ही ऑब्जेक्ट ने मीन पोजिशन क्रॉस कर लिया, अब बोलो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन विल अगेन बिकम अपोजिट. ठीक, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन बोलो फ्रॉम मीन पोजिशन टू दिस एक्सट्रीम एंड, देयर होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी विल बिकम जीरो. अब इस पूरा डायग्राम को देखो, किसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन. व्हिच पैरामीटर द डायरेक्शन इज चेंजिंग एवरी टाइम, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी? एक्सेलरेशन. खुशबू बोलो, कौन किसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है हमेशा? एक्सेलरेशन. क्यों? बिकॉज यहां से यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन बोलो इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ऑपोजिट. जैसे ऑब्जेक्ट रिटर्न किया तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, मीन पोजीशन को क्रॉस किया फिर भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, तो किसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है? डायग्राम को देख के बोलो, किसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन का या वेलोसिटी का? देखो अच्छी तरह से देखो, डायग्राम में दिया हुआ है. एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा तरफ है? टुवर्ड्स द मीन पोजिशन. एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजिशन. एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजिशन. नीचे तो वेलोसिटी, ये बोला तो वेलोसिटी का था, तो किसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का? वेलोसिटी. एक्सेलरेशन तो हमेशा से मीन पोजीशन की तरफ ही था, इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओनली, तो किसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है हमेशा? वेलोसिटी. एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. अब फिर से देखो डायग्राम को, मीन पोजीशन से इतना तक कितना डिस्टेंस दिया था मैंने, एक्स लिया था. तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स? इज इट करेक्ट? डायग्राम को देखो, एक्स का डायरेक्शन मतलब मीन पोजीशन से मेजर किया डिस्टेंस से, तो एक्सेलरेशन कहां पर है? ऑपोजिट. यहां पर भी एक्सेलरेशन ऑपोजिट, यहां पर एक्स कौन सा होगा? फ्रॉम द मीन पोजिशन टू दिस एंड. लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट. तो यहां पर क्या रिलेशन आ गया? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में ऑलवेज रिमेंबर, एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. जब भी ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. और इसका रिलेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट के साथ? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स. माइनस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन. इतना तक समझ में आया? डिक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो वेलोसिटी अगर कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन कौन सा तरफ होना चाहिए? ऑपोजिट ही होगा, तब जाके वेलोसिटी घटेगा, नहीं तो वो बढ़ जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम लोग यहां से लिखेंगे, this is equal to, अब ये जो x का वैल्यू होगा, ठीक है, x का जो वैल्यू होगा इसका पावर कितना होना चाहिए? x का will it be
इवन पावर और ऑड पावर। अगर मुझे ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कराना है तो x का पावर कितना होना चाहिए, ऑड पावर या इवन पावर? ऑड पावर। क्यों ऑड पावर? बिकॉज अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है, x का पावर 2 है, तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट इज नॉट ए ऑसिलेटरी इक्वेशन। तो इसका पावर कितना होना चाहिए, ऑड पावर। मतलब वी कैन राइट लाइक दिस, सम कांस्टेंट x टू द पावर 2n प्लस 1, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ऑड पावर। या फिर इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनल ओनली वी कैन राइट लाइक दिस, माइनस x 2n प्लस 2n प्लस 1 मतलब ऑड पावर होगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, ये किसका इक्वेशन है, ऑसिलेशन का इक्वेशन। दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन नहीं है, ये किसका इक्वेशन है, किसका इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन। जब भी पार्टिकल ऑसिलेट करेगा देन इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो दिस इज द इक्वेशन। अब इसके नीचे लिखना फॉर SHM, फॉर SHM, SHM क्या था, सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन, बहुत सिंपल है। तो m का वैल्यू सिंपलेस्ट कब होगा, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ m, वहां से स्टार्ट होने से इट विल बिकम सिंपलेस्ट, जीरो, वंस, क्या छोटा भी है, जीरो, तो जीरो पुट कर दो। फॉर SHM n का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। व्हाई, बिकॉज इट इज सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ऑसिलेशन, SHM is nothing but simplest kind of oscillation. तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर क्या आ गया इक्वेशन, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, माइनस एक्स टी, दिस विल बी द इक्वेशन, ये इक्वेशन है SHM का। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, वी कैन ब्रिंग वन कॉन्स्टेंट माइनस के इंटू एक्स टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। So you can write this one. This is the equation of SHM. ये basic equation है simple harmonic motion का। अगर हम लोग इसका graph draw करते, इसका graph का shape कैसे होगा? Acceleration versus distance का graph का shape कैसे होगा इसका? से एक एक्सट्रीम पोजीशन मैंने यहां पर लिया, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन मैंने यहां पर लिया, ठीक है, एक को मैंने डिनोट किया प्लस ए से और एक को मैंने डिनोट किया माइनस ए, मतलब प्लस ए कौन सा है, ये वाला पॉइंट, और माइनस ए कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। दो एक्सट्रीम एंड का, पॉजिटिव एक्सट्रीम को मैंने लिया प्लस ए से और नेगेटिव एक्सट्रीम को मैंने किससे डिनोट किया, माइनस ए से। अब इसका ग्राफ का शेप कैसे होगा बोलो, इज इट ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है क्या, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है, क्या था स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, एम एक्स प्लस सी, अगर हम लोग सी का वैल्यू जीरो कर देंगे तो वाई इक्वल टू एम एक्स, लेकिन क्या है यहां पर, दिस इज ए नेगेटिव स्लोप, राइट, स्लोप क्या है, माइनस में आया, तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, ग्राफ का शेप कैसे होगा, ठीक है, दिस विल बी द नेगेटिव स्लोप, तो यहां पर माइनस ए के लिए यहां पर आएगा, और ये प्लस ए के लिए, सो दिस इज द एक्सेलरेशन एक्सिस एंड दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये इज द ग्राफ। गरम लग गया, ग्राफ समझ में,
नेगेटिव स्लोप होगा, ठीक है। नेगेटिव स्लोप का ग्राफ कैसे दिखेगा, ऐसे, दिस इज द नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पर नेगेटिव साइड पे भी पोजीशन था, तो इसके लिए मैंने ग्राफ को इस एक्सिस में बढ़ा दिया, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन सिंस देयर इज अ नेगेटिव एक्सट्रीम एंड, सो वी हैव एक्सटेंडेड द ग्राफ इन द नेगेटिव साइड। तो यहाँ पर माइनस ए होगा तो उसका पॉइंट यहाँ पर आएगा, और प्लस ए के लिए यहाँ पर होगा। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फिर से एक बार इक्वेशन को देखो, SHM का इक्वेशन को, ये जो मैंने कांस्टेंट k लिखा है, ये k का वैल्यू क्या हो सकता है, विल इट बी ऑड और इवन? k का वैल्यू ऑड होना चाहिए या इवन होना चाहिए टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये k का वैल्यू, k विल बी ऑड और इवन, मतलब k यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। k का जो वैल्यू है दिस मस्ट बी नेगेटिव, राइट? तो ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन अगर मुझे सेटिस्फाई कराना है तो k का वैल्यू कितना होना चाहिए, प्लस पे होना चाहिए या नेगेटिव में होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए k का वैल्यू या नेगेटिव होना चाहिए? पॉजिटिव। इस इक्वेशन को मुझे सेटिस्फाई कराना है, k का वैल्यू पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा? नेगेटिव में होगा। अगर सपोज मैंने k का वैल्यू -2 ले लिया, तो यहाँ पर पुट करके देखो, सर ये माइनस किसका है, x का है? ये इक्वेशन में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स x, k क्या था, कांस्टेंट था। तो ये जो मैंने k का वैल्यू लिखा, ये k का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए या नेगेटिव में आना चाहिए? पॉजिटिव में आना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा, जब हम लोग किसी को स्क्वायर लिखेंगे या थ्री लिखेंगे? स्क्वायर। तो इसका जो दूसरा एक फॉर्म है, दैट इज गिवन लाइक दिस, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इसका दूसरा फॉर्म है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा, बिकॉज के का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। तो पॉजिटिव कब होगा, व्हेन द पावर विल बिकम इवन। तो ओमेगा क्या है, ओमेगा इज अनदर कांस्टेंट, ओमेगा इज नथिंग बट कांस्टेंट। सो दिस इज अनदर इक्वेशन ऑफ SHM। इसी को हम लोग आगे लेके सॉल्व करेंगे। ये मेन इक्वेशन है एक्सेलरेशन का, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x, दिस इज द इक्वेशन। सर इस चैप्टर में थ्योरी ज्यादा आता है, दोनों थ्योरी भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ से यू कैन एक्सपेक्ट ऑसिलेशन और वेव्स टोटल से मिला के यू कैन एक्सपेक्ट 10 टू 12 मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये अलग अलग स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर 8 मार्क्स का होगा या 5 मार्क्स का होगा, लेकिन ये चैप्टर 10 टू 12 मार्क्स। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कितना इक्वेशन हम लोगों को मिल गया, पहला इक्वेशन कौन सा था, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स, के क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर मुझे ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करना है तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो वी हैव रिप्लेस्ड के बाय अनदर कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर, ये इसका दूसरा फॉर्म। अब नेक्स्ट स्लाइड में लिखो, नेक्स्ट स्लाइड में लिखना The force equation is given by तो किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग फोर्स कैसे निकाल सकते, बाय मल्टीप्लाइंग द मास। अगर हम लोग मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द एक्सेलरेशन, तो क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो इसके साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बिकम माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओमेगा क्या है, अनदर कांस्टेंट, ओमेगा भी क्या था, यहाँ पर कांस्टेंट ही था, राइट।
तो ये दोनों कांस्टेंट को हम लोग तीसरा कोई कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे से कैपिटल सी, वेयर सी इज एम ओमेगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स। मतलब दो कांस्टेंट आ गया एक ही इक्वेशन में, तो दोनों को मैंने रिप्लेस करके एक दूसरा कांस्टेंट ले लिया कैपिटल सी, एफ इज इक्वल टू माइनस सी इंटू एक्स। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज गिवन बाय, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज गिवन बाय, इज गिवन बाय A equal to minus omega square x, this implies acceleration को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते d2 x by dt square, ये मिला है कहां पर मिला है, ये acceleration equal to d2 x by dt square motion in a straight line में, the second order differential होगा position का अपने, so this is equal to how much minus omega square x, तो यहाँ से क्या आ गया d2 x by dt square plus omega square x equal to zero, this is the differential differential equation of SHM, ये differential equation है SHM। This is the differential equation of SHM. इसका नाम differential क्यों है? Because यहाँ पर differentiation involved है, dx by dt. इसका नाम हो गया differential equation. अब जो हम लोग mechanics में तीन equation मिला था, v is equal to u plus at, s equal to क्या था? ut plus half at square. Third क्या मिला था? यहाँ पर तीनों equation में क्या चीज common था? Which one is common in the three equation? Acceleration. Acceleration. तीनों में क्या common है? यहाँ पर acceleration, यहाँ पर acceleration, यहाँ पर भी acceleration. तो यहाँ पर जो acceleration था, that acceleration is constant or variable. जो हम लोग ये तीन equation निकाला था by using calculus and graphical method. तो ये वाला acceleration constant था या variable था? कांस्टेंट एक्सेलरेशन था या वेरिएबल एक्सेलरेशन था? यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिया था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये क्या था? कांस्टेंट ही था। इसका वैल्यू कितना मिलता था सॉल्व करने के बाद न्यूमेरिकल में? 5, 10 लाइक दिस। तो ये वैल्यू क्या था? कांस्टेंट था। तो ये जो एक्सेलरेशन था ये मैकेनिक्स में क्या था? कांस्टेंट था, राइट? लेकिन यहाँ पर देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो एक्सेलरेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? x के ऊपर। अगर हम लोग x का वैल्यू चेंज कर देंगे तो क्या एक्सेलरेशन चेंज होगा? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? तो अब हम लोग किसके साथ डील करने वाले? वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ। Earlier in motion in a straight line, we deal with the constant acceleration. जहाँ पर direct equation हम लोग के पास था, v equal to u plus at always. But now in simple harmonic motion, we are going to deal with variable acceleration. जहाँ पर acceleration हमेशा क्या होगा? Change होगा. The value of acceleration will depend upon x. X के ऊपर depend करेगा. तो आप इसके नीचे लिखो, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वी कंसीडर
एन ऑब्जेक्ट, वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग एसेशन, वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग एसेशन एस शोन इन द फिगर, एस शोन इन द फिगर। This is the origin point. यहाँ पर क्या है? Negative x होगा, right? ये mean position है. Origin मतलब क्या है? Mean position है. तो यहाँ पर दो arbitrary position we have taken. The object is moving like this. ऐसे object move करेगा. फिर से object क्या करेगा? It will perform oscillation. तो यहाँ पर दो arbitrary position लिया. एक ही x naught, जहाँ पर time कितना है? 0 second. कुछ समय बाद पोजीशन कितना हो गया? x हो गया. कौन सा टाइम पे? t सेकंड पर. तो ये इसका सिचुएशन है. ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन. इसके नीचे लिखना v है equal to minus omega square x. This can be written like this, p dv by dx equal to minus omega square x. तो यहाँ से p dv is equal to minus omega square x dx. ये equation मिला है क्या? Acceleration का और एक formula था p dv by dx. ये हम लोग calculus में ज़्यादातर use करते हैं numerical के लिए. तो उसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट लाइक दिस. नाउ एट x इक्वल टू x नॉट, टाइम कितना है? 0 second. और वेलोसिटी कितना है? सपोज v नॉट. x नॉट पर वेलोसिटी कितना है ऑब्जेक्ट का? v नॉट है. और x इक्वल टू x पोजीशन पर टाइम कितना है? t सेकंड. और वेलोसिटी कितना हो गया? वेलोसिटी. और ये आते आते इस पोजीशन पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एक्सट्रीम एंड पर वेलोसिटी कितना होना पड़ेगा? 0. ठीक है सर. लेकिन हम लोग सिर्फ दो पोजीशन के लिए देखेंगे, x नॉट और x. ठीक है. हाँ बोलो. तो ये वाला, ये जो हम लोग अभी डायग्राम ड्रॉ किया था उसी का एक पार्टिकुलर सिचुएशन है. ये ओ पॉइंट मतलब ओरिजिन है. ऑरिजिन को मैंने माना है मीन पोजीशन. तो ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करेगा. तो इस एक्सिस पे मैंने दो आर्बिट्री पोजीशन लिया. एक ही एक्स नॉट, जहां पर टाइम कितना है? 0 second. दूसरा पोजीशन ले एक्स, जहां पर टाइम कितना है? 30 second. एक्स नॉट पर जब ऑब्जेक्ट था तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? वी नॉट. सपोज जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स तक, तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया? तो इसी को मैंने यहां पर लिखा है. x इक्वल टू x नॉट पोजीशन पर टाइम था 0 सेकंड, वेलोसिटी कितना था? v नॉट. जब x हो गया तो टाइम कितना हुआ? t सेकंड. वेलोसिटी कितना हो गया? v. राइट. नाउ दिस यू कैन गिव इक्वेशन नंबर 1 एंड राइट डाउन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट बोलो. लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट कहां से कहां तक होगा? वी नॉट से वी. और राइट हैंड साइड का एक्स इज द वेरिएबल, कहां से स्टार्ट हुआ एक्स का वैल्यू? एक्स नॉट. जब टाइम 0 था तो एक्स का वैल्यू कितना था? एक्स नॉट. और कहां पर गया? एक्स. तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन है, वी कैन डू लाइक दिस, v स्क्वायर बाय 2 माइनस v नॉट स्क्वायर बाय 2. दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट. ठीक है. और अंदर क्या होगा? दिस विल बिकम x स्क्वायर बाय 2 माइनस x नॉट स्क्वायर बाय 2. और 2 कैंसिल कर दिया बोथ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से. तो यहां पर आ गया v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चेक करो कैलकुलेशन, वी नॉट स्क्वायर को मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया, कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये टू टू सब जगह पर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर वी नॉट स्क्वायर यहां पर चला गया राइट हैंड साइड में, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, और माइनस कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। समझ में आया इक्वेशन? डाउट है कुछ इसमें? मुझे बोलो समझ में आया इक्वेशन? तो अब हम लोग करेंगे एक सिंप्लीफिकेशन। सो यहां पर अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? This will become v naught squared by omega squared plus x naught squared minus कितना आएगा x squared. We have taken omega squared common. तो ये मिलेगा v naught squared के साथ divide हो गया omega squared plus x naught squared minus कितना होगा omega तो बाहर चला रहा है तो यहाँ पर बचेगा minus x squared. अब यहाँ से v का value कितना आएगा? So this will become omega अंडर स्क्वायर रूट वी नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस कितना आएगा एक्स स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर में था वी, तो इस तरह आने से दिस विल बिकम अंडर स्क्वायर रूट। इसको इक्वेशन नंबर दिस इक्वेशन नंबर। अब लिखो लेट अस कंसीडर कैपिटल ए स्क्वायर इक्वल टू ये वाला फैक्टर वी नॉट स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर। इसको हमने रिप्लेस करके लिखा ए स्क्वायर। सो इक्वेशन नंबर टू क्या हो गया? अभी इक्वेशन टू बिकम्स लेफ्ट हैंड साइड में था वी इक्वल टू ओमेगा अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना होगा एक्स का स्क्वायर। दिस होल टर्म वी हैव रिटन ए स्क्वायर, ये अजम्पशन है, इसके जगह पर हमने लिखा ए स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन v equal to omega under square root a square minus x square. Then again ये left hand side में v का meaning क्या है? Velocity। हाँ sir, ऊपर का वो जो equation कैसे लिखा, मतलब ये consider क्या sir, ये x not था, x not यहाँ पड़े, v not यहाँ पड़े, तो ये term को मैंने पूरा लिख दिया a square, तो यहाँ पर इसको substitute कर दो कितना आ जाएगा under square root a square minus x square होगा। ऊपर this will become under square root a square minus x square equal to omega dt cross multiply. Again doing the integration from x naught to x, फिर से अगर हम लोग integration कर देंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन आएगा दिस इज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है dx by under square root a square minus x square, दिस इज स्टैंडर्ड आइडेंटिटी इंटीग्रेशन का। और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा ओमेगा dt 0 टू t,
टाइम विल बी वेरिएबल, तो कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम 0 सेकंड टू टी सेकंड। तो इसका रिजल्ट क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड पर, इसका रिजल्ट दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला है, दिस इंप्लाइज वी कैन राइट साइन इनवर्स एक्स बाई ई, ये इसका फॉर्मूला है, एक्स नॉट टू एक्स, इसको याद रखना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन डीएक्स बाई ऐसे फॉर्मूला में अगर होगा देन दिस इज गिवन लाइक दिस साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ई, ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में ओमेगा कांस्टेंट था तो डीटी का इंटीग्रेशन मतलब टी होगा ओमेगा इनटू, तो यहां पर साइन इनवर्स अपर लिमिट एक्स बाई ई माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ई इक्वल टू कितना मिलेगा ओमेगा टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए प्लस कितना आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा। ये बेसिकली क्या है, ये जो राइट हैंड साइड का पहला टर्म है ये साइन का कुछ एंगल है राइट, और ये एंगल भी कौन सा एंगल है कैपिटल ए, कैपिटल ए मतलब जो मैंने वहां पर लिया था नॉट, ठीक है, v नॉट था x नॉट था, दिस आर ऑल इनिशियल पोजीशन, तो यहां पर sin a और x नॉट क्या था इनिशियल पोजीशन जो मैंने t इक्वल टू 0 सेकंड पर लिया था, तो ये पूरा चीज को हम लोग एक एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कौन सा एंगल होगा दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, इसका नाम है डेल्टा, डेल्टा मतलब इसका मीनिंग क्या है, दिस इज नोन एज द फेज कांस्टेंट, इसको बोला जाएगा फेज कांस्टेंट डेल्टा, मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एंगल से मुझे क्या मालूम चलेगा व्हाट इज द इनिशियल स्टेटस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पर है टाइम कितना है वो चीज हम लोग को मालूम चलेगा बाय द फेज कांस्टेंट, तो देयरफॉर वी कैन राइट साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू कितना आ जाएगा डेल्टा प्लस ओमेगा, तो यहां से x का वैल्यू कितना होगा लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसके वैल्यू, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहां पर इनवर्स था तो यहां पर लेके आने से कितना होगा साइन आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या था इनवर्स था तो यहाँ पर आ गया मतलब साइन होगा, ब्रैकेट में क्या आएगा ओमेगा टी प्लस डेल्टा, अब ये ए यहाँ पर डिनोमिनेटर में था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कौन सा टी डेल्टा प्लस ओमेगा टी था तो साइन इनवर्स था यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो जाएगा और ए को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, दिस इज द फाइनल इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये तुम लोग का टेक्स्ट बुक में इट इज गिवन डायरेक्टली, ठीक, जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट भी ये वाला, लेकिन ये वाला कहां से डिराइव किया, सो दिस इज द होल डिराइवेशन, एग्जाम में कितने मार्क्स का ये वाला अगर आएगा तो डिफरेंशिएशन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन 3 मार्क्स का, फेज कांस्टेंट मतलब ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और टाइम, यहाँ पर ये एक्स नॉट क्या था इनिशियल पोजीशन लिया था टी इक्वल टू 0 सेकंड पर, तो इसको ये पूरा एंगल को मैंने कन्वर्ट करके एक दूसरा एंगल लिखा डेल्टा, मतलब ये पूरा डेल्टा क्या देगा दिस विल गिव द इनिशियल स्टेटस ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्टेटस मतलब क्या है उसका पोजीशन क्या था इनिशियली टाइम कितना था ये सब देगा बाय लुकिंग एट फेज कांस्टेंट, सर एग्जाम में ये डिराइव करने को नहीं देगा, ये डिराइवेशन दे भी सकते हैं ये डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर, कभी भी दे भी देते हैं कभी भी नहीं भी देते, सर ये डिराइवेशन क्या बुक में है, नहीं टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये डिराइवेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का
जो x का वैल्यू था क्यों, जो डिफरेंशियल फॉर्म में x का वैल्यू आया था, दैट इज द रिजल्ट x इक्वल टू दिस मच a sin ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा। अब इसके नीचे लिखो, फ्रॉम द अबव इक्वेशन, इसके नीचे लिखना फ्रॉम द अबव इक्वेशन the face part is denoted by तो ये जो मैंने इक्वेशन को डिराइव किया, ये एक्चुअली किसका इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पर इस इक्वेशन में दो पार्ट मिलेगा, एक पार्ट होगा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, दूसरा क्या है फेस पार्ट। तो इसका फेस पार्ट कौन सा होगा, दिस इज डिनोटेड बाय ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसको बोला जाएगा फेस पार्ट, ठीक है, दिस इज नोन एज द फेस पार्ट। और एम्पलीट्यूड कौन सा है, कैपिटल ई। सो साइन, साइन ई, साइन का जो एंगल आएगा, साइन का जो भी एंगल दिया होगा, सो दैट इज द फेस पार्ट, इसको बोलेंगे हम लोग फेस पार्ट। इसके नीचे लिखो द फेस कांस्टेंट इज गिवन बाय डेल्टा। फेस कांस्टेंट क्या होगा, डेल्टा, विच गिव्स द इनिशियल पोजिशन एंड टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच गिव्स द इनिशियल पोजिशन एंड टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सर आपने जो बोला था वो डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो ये वाला जो डिराइव किया था a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर से जो इक्वेशन लिखा था डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, इतना तक, ठीक है, इतना तक, टू मार्क्स का, ठीक है, ये आएगा टू मार्क्स डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इसका रिजल्ट तुमको बोला डिराइव करके दिखाने के लिए, देन द रिजल्ट इज दिस वन, ये जो x है इसका x का वैल्यू कितना है, a sin of omega t plus delta, this is the value of x जो अभी हम लोग derive किए, ये इसका result है, x का result। next topic लिखो, calculation of velocity and acceleration, next topic calculation of velocity and acceleration। A sin theta amplitude, हाँ, A sin theta नहीं, सिर्फ A, सिर्फ A वाला A, A is the amplitude, A sin theta नहीं, theta तो हो गया phase part, theta will represent the phase part, delta will represent the phase constant, और ये जो पहला term मिलेगा, that is the amplitude, ये आगे जाकर जब हम लोग waves पढ़ेंगे, तो वो wave का equation मिलेगा ऐसे form में, this is nothing but wave इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन में दो पार्ट होगा, एक होगा एम्पलीट्यूड पार्ट, दूसरा है फेज पार्ट। तो यहां से देखो, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, अंडरलाइन कर दो इसको। अब लिखना डिफरेंशिएटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, differentiating the expression of x with respect to time, मतलब अभी जो हम लोग x का वैल्यू निकाला था उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, differentiating the value of x with respect to time, we get तो velocity कैसे निकलेगा, by differentiating the value of x with respect to time, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बोलो, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन बोलो, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए इज कांस्टेंट, तो यहां पर क्या मिलेगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा,
लेकिन यहाँ पर देखो ब्रैकेट में टाइम इसके अंदर भी है, तो इसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डी डी टी ऑफ ओमेगा टी, इसको अलग से डिफरेंशिएट, जहां पर भी टाइम दिखाई देगा सबको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना आएगा, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसका वैल्यू आएगा। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा मिलेगा, डीटी बाय डीटी विल गेट कैंसिल आउट। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ओमेगा आएगा। तो ओमेगा को मैंने पहले लिख दिया एओ के साथ, ठीक है, ए ओमेगा कॉस ऑफ दिस वन, ये हो गया वेलोसिटी। दिस इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर अगर पूछे वेलोसिटी कितना होगा, सो दिस इज द इक्वेशन। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी को, देखो एक्स था ये वाला, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, नहीं आने समझ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, तो यहां से कॉस थीटा कितना आएगा, ये आएगा। तो यहां से ये वाला ओमेगा को सेपरेट करके रखो, बाकी ये वाला टर्म क्या है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते, वन माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर स्क्वायर रूट, हाँ ये वाला फॉर्मूला, cos theta equal to how much? Under square root 1 minus sin square theta. तो इसके साथ अगर हम लोग a को multiply कर लेंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा? a square आ जाएगा, ठीक है? तो a तो constant ही है, ultimately formula कौन सा आएगा? ये वाला form. तो cos theta can be written like this 1 minus under square root 1 minus this one, right? मतलब ये वाला समझ में आया कि नहीं? ये वाला समझ में आ गया? यहाँ पर देखो, यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ओमेगा को ये वाला क्वांटिटी आएगा, तो ये वाला से वन माइनस अंडर स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, ये वाला ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, तो इसको अगर हम लोग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिख दिया, मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, अंडर स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसी को मैंने यहां पर लिखा। ये चीज अगर समझ में नहीं आया तो ए को मैं सेपरेटली लिखता हूं, ठीक है, ए को हम लोग सेपरेटली लिखते हैं। तो अब देखो ए और ओमेगा से, ए और ओमेगा को मैंने सेपरेटली लिखा है, तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ऐसे लिख सकते हैं, राइट, ये समझ में आया। यहां से मैंने ए और ओमेगा को सेपरेटली लिखा है, तो ये वाला हो गया ये वाला, तो अल्टीमेटली ए ओमेगा अंडर स्क्वायर रूट वन माइनस, ये क्या था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, यहां से अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, इसको अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे कितना मिलेगा, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, इतना साइन स्क्वायर दिस वन, नहीं आ रहे, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, मतलब x a को मैंने यहां पर शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में, और मैंने बोथ साइड को स्क्वायर कर लिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर दिस वन, तो यहाँ इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से ए ओमेगा अंडर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए बोल सकते क्या, ए स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के अंदर ही था, तो
तो बाहर आने से क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और बाहर ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, तो यहाँ से ए और ए कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आया समझ में, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया था, इसको मैंने डायरेक्टली लिखा था। ये वाला लिखा है, ये पूरा स्टेप लिखा है, तो इसका इक्वेशन नंबर कितना आएगा, ये वाला इक्वेशन का इक्वेशन नंबर कितना आएगा, लास्ट इक्वेशन कितना था, 2 आई थिंक लिया था, लास्ट इक्वेशन 2 लिया था, तो इसका ये पार्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है, ये वाला इक्वेशन को लिखो इक्वेशन नंबर 3, गिव दिस इक्वेशन नंबर 3। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 the velocity of the object, the velocity of the object is given by, the velocity of the object is given by v e equal to, kya equation tha, a omega under square root 1 minus x square by a square, ye tha right equation thi, so इसको बॉक्स में ये वेलोसिटी। अब लिखो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एक्सीलरेशन, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन वी डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी डिफरेंशिएट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एक्सीलरेशन we differentiate velocity with respect to time. तो velocity का standard equation क्या आया था हम लोग के पास, a omega cos of omega t plus delta, ये था general formula of velocity जो हम लोग निकाला था by using the differentiation. अब इसका अगर मुझे acceleration निकालनी दिया तो क्या करना पड़ेगा, dv by dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करने से कितना आएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो माइनस साइन थीटा, और ओमेगा एक्स्ट्रा बाहर आएगा, तो पहले से ओमेगा प्रेजेंट था, तो ओमेगा ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये हम लोग का वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है, और पोजीशन क्या था, एक्स, ये वाला मतलब इसको मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, एक्स्ट्रा ओमेगा निकलेगा बाहर, ओमेगा पहले से प्रेजेंट था, दो ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना है, माइनस साइन ऑफ थीटा, तो पोजीशन हम लोग का क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये पोजीशन था, ये वेलोसिटी है, और ये क्या है, एक्सीलरेशन है, ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी एक्सीलरेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है जी फॉर योर एग्जाम, दिस कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी का कैलकुलेशन, एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब ये फिर से समझा दीजिए, फिर से ये तो ये चीज समझ में आया था, ये हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन निकला था, अब इसका डिफरेंशिएट कर दो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन कैसे निकाले, एक्सीलरेशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी होगा, इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना मिलेगा, माइनस आ जाएगा, बिकॉज कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, ओमेगा पहले से प्रेजेंट है, दूसरा एक ओमेगा बाहर आएगा, तो ओमेगा ओमेगा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर,
सो दिस इज ये एक स्पेशल इक्वेशन है ठीक है ये एक स्पेशल इक्वेशन है लेकिन जनरल इक्वेशन तो ये तीनों से करेंगे हम लोग अब देखो ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पहले हमें ड्रॉ करना है एक्सटी ग्राफ ठीक है ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ पोजीशन कॉमा वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अब यहां पर देखो बोर्ड में देखो पोजीशन में देखो अगर हम लोग टाइम के जगह पर जीरो ले लिया तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा बोलो If time becomes zero, x will be how much? Sin zero का वैल्यू कितना है? Sin zero one. Sin zero का वैल्यू कितना होगा? Zero होगा, right? तो इसका जो ग्राफ का इनिशियल पोजीशन होगा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? Origin से, because time जब zero था, तो x का वैल्यू कितना था? Zero था. तो ग्राफ का जो स्टार्ट होगा, so that is like this. This is sinusoidal curve. Why? Because equation is sin theta. तो एक graph किसका आएगा? Sinusoidal graph. ठीक है? Sine का graph. Sinusoidal. ये नाम सुना है क्या पहले? नहीं सुना? ये wave का graph है. ठीक है? Wave देखने में ऐसे लगते हैं. इसका ये वाला portion बोलते हैं हम लोग amplitude. और ये वाला पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ से ये एक्स टी का ग्राफ है अब फिर से देखो वेलोसिटी में जब वेलोसिटी में हम लोग टी का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो वेलोसिटी कितना आएगा कॉस जीरो इज हाउ मच वन तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा ए ओमेगा इसको बोला जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी दिस इज नोन एज द मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहां पर देखो जब टाइम का वैल्यू जीरो था तो वेलोसिटी इज नॉट जीरो ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन ऑब्जेक्ट मोशन में ऑलरेडी था एट टाइम जीरो सेकंड पर तो इसका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा ओरिजिन से स्टार्ट होगा या ऊपर से स्टार्ट होगा या नीचे से स्टार्ट होगा ऊपर से स्टार्ट होगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा डी टी ग्राफ दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ सो दिस विल बी लाइक दिस स्टार्ट होगा दिस इज द डी टी ग्राफ मतलब किसी भी एक आर्बिट्री पोजीशन से द ग्राफ विल स्टार्ट इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है अब मुझे ड्रॉ करना है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इसका देखो टाइम जीरो सेकेंड पर एक्सीलरेशन कितना होगा व्हेन टाइम बिकम जीरो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा फिर से साइन जीरो जीरो लेकिन इसका एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखो बाकी सब में पॉजिटिव पॉजिटिव था एक्स भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव लेकिन यहाँ पर देखो नेगेटिव तो ये तो स्टार्ट तो होगा ओरिजिन से लेकिन कौन सा डायरेक्शन में स्टार्ट होगा नीचे से होगा दिस इज द एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन कैसा है माइनस में है नेगेटिव में है नेगेटिव मतलब इसका जो फेस होगा ये उल्टा हो जाएगा ठीक अगर पॉजिटिव होता देन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस वन अपर पर बट सिंस इट इज नेगेटिव मतलब डायरेक्शन विल बिकम रिवर्स ये चेंज हो जाएगा डायरेक्शन तो
तो ये तीन तरह का ग्राफ हो गया, एक्सटी ग्राफ, बीटी ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब लिखो द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, नेक्स्ट लाइन में लिखना द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज। तो एक बार एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन को देखो, यहां पर क्या है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो अगर हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर लेके आएंगे तो ये वाला चीज क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, दिस इज नथिंग बट एक्स, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा इज नथिंग बट एक्स। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो हम लोग पहले बोला था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक इक्वेशन था ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, उसी को मैंने प्रूफ करके दिखाया मैथमेटिकली। सो मैथमेटिकली आल्सो वी कैन डिराइव द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एसएचएन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कॉमा पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कॉमा पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर। और वी क्या है, व्हाट इज वी, अभी हम लोग डिराइव किया था ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये हम लोग निकाला था वैल्यू। तो इसका वैल्यू यहां पर पुट कर दो, सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ एम, दिस वी कैन राइट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, अब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बड़ा डिराइवेशन हो गया, अब छोटा छोटा मिलेगा कैलकुलेशन। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। पोटेंशियल एनर्जी बोलो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग स्प्रिंग मोशन में देखेंगे, तो यहां पर स्प्रिंग का ऑसिलेशन कैसे होता है, अगर हम लोग स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे देन वी रिलीज द स्प्रिंग, तो क्या करेगा स्प्रिंग ऑसिलेट करने लगेगा। तो क्या ये ऑसिलेशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे then we release it, तो इसका ऑसिलेशन होगा, right? तो इसका ऑसिलेशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, right? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, this is simple harmonic motion। जब भी ऑसिलेशन होगा स्ट्रेट लाइन में that means the oscillation is simple harmonic। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया, ये क्या था इसका मेन पोजीशन था, सो नाउ द बॉडी विल वाइब्रेट लाइक दिस, बॉडी ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेशन करेगा, द स्प्रिंग विल ऑसिलेट इन ए स्ट्रेट लाइन। अब इसका एक रेस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग का, जो हम लोग वर्क पावर एनर्जी में क्या था, वो क्या था माइनस, तो
स्प्रिंग था, रेस्टोरिंग फोर्स क्या था, इक्वेशन ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स होगा, दिखाई दे रहे तो स्प्रिंग का याद है क्या किसी को, रेस्टोरिंग फोर्स अगर हम लोग स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं राइट, तो रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो ऑपोजिट में एक्ट करेगा डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ पर क्या था इसका इक्वेशन, माइनस के इनटू एक्स, ये था, दिस इज एज इट इज जस्ट लाइक इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेम टू सेम इक्वेशन है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कितना निकाला था स्प्रिंग मोशन का, इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकाला था, वर्क डन निकाल के, सो वर्क डन का एक्सप्रेशन था इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स, देन वी हैव डन लाइक दिस के इंटू एक्स इंटू डी एक्स राइट, यहां से कितना आएगा हाफ ए एक्स स्क्वायर था क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, हाफ ए एक्स स्क्वायर राइट, उसी को यहां पर हम लोग कॉन्सिडर करेंगे, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा द एक्सेलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो उसके लिए मैंने यहां पर स्प्रिंग मोशन अलग से बना लिया बिकॉज स्प्रिंग मोशन इज द एग्जाम्पल ऑफ एसेशन, तो वहां से पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड इन द वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, तो क्या एक्सप्रेशन आया था हाफ इंटू ए एक्स स्क्वायर, तो उसी को यहां पर डायरेक्टली वी कैन एप्लाई, तो यहां से आ गया मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी हाफ ए एक्स स्क्वायर, तो हाफ ए एक्स का वैल्यू कितना था ये वाला ठीक, इज द वैल्यू ऑफ एक्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो x का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब थोड़ा पीछे जाओ और देखो k का वैल्यू कितना था, अभी जो हम लोग लिखा था थोड़ा देर पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, ये वाला इक्वेशन कहां पर लिखा था देखो एक बार, ये बोला माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा था, तो इसके जगह पर क्या लिखा था एम ओमेगा स्क्वायर के जगह पर सी, तो सी बेसिकली क्या है कांस्टेंट है, अगर हम लोग स्प्रिंग के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या था के एक्स, यहाँ पर क्या है सी एक्स, सो बोथ कैन बी इक्वेटेड, तो जो सी का वैल्यू होगा वो यहाँ पर किसका वैल्यू होगा के का वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर फोर्स का इक्वेशन क्या था माइनस के इंटू एक्स, सिंपल हार्मोनिक में इक्वेशन क्या आया था हम लोग का माइनस सी इंटू एक्स, तो अल्टीमेटली जो सी का वैल्यू है वही होगा के का वैल्यू, तो यहाँ पर के विल बी हाउ मच हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये आ गया के का वैल्यू, अब टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल एनर्जी को क्या होगा टोटल एनर्जी, टोटल मतलब क्या दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों का सम कर दो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और देखो आंसर ये आता है कि नहीं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आना चाहिए, चेक कर लो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, नींद आ गया फ्रेंड्स, आया ये वाला एक्सप्रेशन,
cos square theta plus sin square theta, one होगा। बाकी चीजें तो कॉमन है, half कॉमन है, m omega square a square all are constant, तो अल्टीमेटली sin square omega t plus delta plus cos square omega t plus delta, so this is the total energy। बस इसको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसेंशन। इसका स्प्रिंग मोशन का एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ किया था वर्क पावर एनर्जी में, एनर्जी और डिस्टेंस का, कुछ याद है ना ग्राफ इसका किस शेप में था, एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का, दोनों एनर्जी को हम लोग लिया था, ये तुम लोग का एग्जाम में भी आया था एक बार केवी का एग्जाम में, स्प्रिंग मोशन का ग्राफ एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर कौन सा एनर्जी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। वेलोसिटी कब जीरो होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, मतलब काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो इन द एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहां पर कौन सा पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, मीन पर, ठीक है, मीन पोजीशन। तो यहां पर ग्राफ क्या आएगा, सो दिस इज द ग्राफ राइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक्सट्रीम एंड को रिप्रेजेंट करेंगे माइनस ए और ये होगा हम लोग का प्लस ए, तो ये जो ग्राफ आएगा दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड दिस वन इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कर्व होगा लाइक दिस और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा लाइक दिस, ये मतलब एक ही ग्राफ पे वी कैन शो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। नेक्स्ट टॉपिक देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। Time period of oscillation. यहाँ पर लिखो we have, time period में underline करके लिखना we have the equation of SHM given by f is equal to minus c into x. ये इक्वेशन था फोर्स का। अब यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे m into a mass into acceleration as the force, तो यहाँ पर क्या होगा minus c into x, so acceleration will be how much minus c by m into x। अब c by m का वैल्यू क्या था हम लोग के पास, c by m का वैल्यू, सी का वैल्यू पहले बोलो क्या था, सी का वैल्यू जो के का था m ओमेगा स्क्वायर,
तो यहाँ पर अगर हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर को पुट कर देंगे डिवाइड बाय एम तो कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर, सी बाय एम, वेयर सी बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखना दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट सी बाय एम, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट सी बाय एम, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ बोलो, कौन सा एक्स? एक्स तो यहाँ पर था, ये इक्वेशन था माइनस सी बाई एम इंटू एक्स। अब सी बाई एम को मैंने लिखा है सेपरेटली, ओनली द सी बाई एम को, ये रेशियो किसके बराबर होगा? ओमेगा स्क्वायर का। तो ओमेगा कितना हो गया? अंडर स्क्वायर रूट सी बाई एम। अब ओमेगा का वैल्यू सर्कुलर मोशन में मिला था क्या? ओमेगा सर्कुलर मोशन में एक था टर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलिए, उसका भी था सिंबल ओमेगा, दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट। तो उसका ऐसा कुछ इक्वेशन मिला था कि सर्कुलर मोशन में 2 पाई बाय टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो ये रिलेशन है ओमेगा और टाइम पीरियड का। सो ओमेगा इज गिवन बाय 2 पाई बाय कैपिटल टी, where t is the time period। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर ओमेगा कितना हो गया? 2 पाई बाय t। तो यहाँ पर t is the time period, ओमेगा और टाइम पीरियड का रिलेशन था 2 पाई बाय कैपिटल t से। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? What will be the time period now? t का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से? 2 pi under square root m by c, this is the expression for time period, this is the expression for time period। similarly frequency भी निकाल सकते हो, frequency is reciprocal of time period, frequency is reciprocal of time period। तो यहां से कितना आ जाएगा? this will become 1 by 2 pi under square root c by m। NCERT में c के जगह पर k लिया, ठीक है, आइदर वी कैन टेक k और c, दोनों बराबर है, ठीक है, k भी लिख सकते हो या c भी ले सकते हो, दोनों कांस्टेंट है। So the time period is given by 2 pi under square root m by c and frequency कितना होगा? 1 by 2 pi under square root c by m। These are the equation। एक क्वेश्चन लिखो उसके बाद खत्म करते हैं इसको। ये खत्म नहीं हुआ, ऑसिलेशन चैप्टर बाकी है, इसका न्यूमेरिकल बाकी है और इसका एक थ्योरी भी बाकी है सिंपल पेंडुलम का, वो हम लोग कल करेंगे। तो आज इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखो। हाँ कुछ बोलना चाहते हैं? बोलो। 430। सो क्वेश्चन लिखो, टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, टू स्प्रिंग्स of spring constant K1 and K2 are connected first in series then in parallel, are connected first in series then in parallel। Find the equivalent spring constant, comma time period and frequency of oscillation. Find the equivalent spring constant, comma time period and frequency of oscillation in both cases। एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में। अगला क्वेश्चन लिखो,
A particle execute as a chain. Whose displacement equation is given by